हाय बंटू कोडर कोडर जावा ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों बच्चों आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज हम बात करने वाले हैं रिसोर्सेज पर आपने देखा होगा जब भी हम स्प्रिंग आईओसी का कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है रिसोर्सेज का यूज करके हमको हमारी जो एक्सएमएल फाइल है उसको कॉन्फिगरेशन करना पड़ता है उसको कॉन्फिगर करना पड़ता है तो बच्चों स्टार्ट करते हैं तो बच्चों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो लेट्स स्टार्ट so resources in spring frequently we need to read external resources into our spring application आप सभी को पता है कि हमको जब भी स्प्रिंग आईओसी में हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है हमको फ्रीक्वेंटली नीड

हम इनको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर क्या करते हैं रखते हैं किसको एक्सएमएल फाइल को टेक्स फाइल को प्रॉपर्टी फाइल को इमेजेस को इमेजेस फाइल को इनको हम कहां रखते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर रखते हैं फॉर एग्जाम्पल इन द फाइल सिस्टम क्लास पाथ और यू आर एल यूजली we have to use different apis for loading resource from different location to handle such task spring provides the resource and the resource loader interface aapko pata hoga ke agar class path or url we have to use different apis to loading resource from different location to handle such task spring provide resources and resource loader interface the resource interface represent external resources the resource loader interface provide methods to load resources रिसोर्स लोडर इंटरफेस क्या करता है प्रोवाइड करता है क्या मैथड किस लिए लोड करने के लिए किसको रिसोर्सेस को और आपका जो रिसोर्स इंटरफेस होता है वो आपको प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल रिसोर्स तो स्प्रिंग रिसोर्स इंटरफेस आपका स्प्रिंग रिसोर्स इंटरफेस क्या करता है इसके बारे में हम देखते हैं रिसोर्स इज एन इंटरफेस इन स्प्रिंग To represent an external resources. Spring provides several implementations for the resource interface. The getResource method of resource loader. Decide the resource implementation to use. This is determined by the resource path. तो यहाँ बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर समझ में आई होगी कि रिसोर्स हमारा क्या एक इंटरफेस है इन स्प्रिंग में? किस लिए यूज काम होता रिप्रेजेंट रिसोर्स स्प्रिंग प्रोवाइड सेवरल इंप्लीमेंटेशन फॉर रिसोर्स इंटरफेस गेट रिसोर्स हमारी मेथड है ऑफ रिसोर्स लोडर डिसाइड द रिसोर्स इंप्लीमेंटेशन टू तो यूज दिस इज डिटरमाइंड बाय द रिसोर्स पाथ कोड ऑफ द रिसोर्स इंटरफेस किस तरीके से होता है यहां पर आप देखिए पब्लिक इंटरफेस हमारा इंटरफेस का नाम क्या रिसोर्स एक्सटेंड किसको कर रहा है इनपुट स्ट्रीम रिसोर्स को मतलब ये भी हमारा इंटरफेस और ये भी हमारा इंटरफेस इंटरफेस एक्सटेंड्स अदर इंटरफेस तो इनपुट स्ट्रीम सोर्स अब रिसोर्स के अंदर हम किन किन मैथड्स को ओवर राइड कर रहे हो देखो यहाँ पे एग्जिस्ट इज ओपन अवेलेबल मैथड्स हैं एज यू कैन सी द रिसोर्स इंटरफेस एक्सटेंड द इनपुट स्ट्रीम सोर्स इंटरफेस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैथड्स ऑफ द रिसोर्स इंटरफेस आर पहला मेथड का नाम क्या है गेट इनपुट स्ट्रीम लोकेट्स एंड ओपन द रिसोर्स इट रिटर्न एन इनपुट स्ट्रीम फॉर रीडिंग फ्रॉम द रिसोर्स उसके बाद एग्जिस्ट मेथड रिटर्न अ बुलियन इन इंडिकेटिंग वेदर दिस रिसोर्स एक्चुअली एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म इज ओपन Return a boolean including whether this resource represents a handle with an open stream. If true, the input stream must be read once only and then close to avoid resource leakage. It will typically be say false for resource implementation with the एक्सेप्शन ऑफ इनपुट स्ट्रीम रिसोर्स उसके बाद बात करें अगर गेट डिस्क्रिप्शन मेथड के रिटर्न अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसोर्स द डिस्क्रिप्शन कैन बी यूज फॉर एरर आउटपुट वेन वर्किंग विथ रिसोर्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफन द फुल्ली क्वालिफाइड फाइल नेम और एक्चुअल यू आर एल ऑफ द रिसोर्स अगर बात करूं स्प्रिंग इंप्लीमेंटेशन फॉर रिसोर्स इंटरफेस तो यहां पर हमको दो इंटरफेस मिलते हैं पहला क्लास पाथ रिसोर्स और दूसरा फाइल सिस्टम रिसोर्स अब आपका क्लास पाथ रिसोर्स क्या करने वाला है इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास पाथ रिसोर्स रिप्रेजेंट अ रिसोर्स लोडेड फ्रॉम द क्लास पाथ फाइल सिस्टम रिसोर्स क्या करता है रिप्रेजेंट अ रिसोर्स फाइल सिस्टम सो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड क्लास पाथ रिसोर्स बहुत सारे लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो अभी इसको हम प्रोग्राम के थ्रू भी देखे हैं। वाले हैं कि किस तरीके से हमको कॉन्फ़िगरेशन करना है मेरे बच्चों तो डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम रिसोर्स एंड क्लास पाथ रिसोर्स Class path resource looks at the class path for spring configuration file while file system resource look in the file system in class path resource spring search for the spring configuration file at the class path so, spring config .xml should be included in classpath if spring-config.xml is placed at source folder then the configuration file can be used directly because source is already in classpath by default in file system resource पाथ ऑ ऑफ स्प्रिंग कॉन्फ्लिक डॉट एक्सएमएल फाइल नीड टू बी प्रोवाइड रिलेटिव टू द प्रोजेक्ट और द एब्सलूट लोकेशन ऑफ द फाइल बच्चों बहुत ध्यान रखना इसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि फाइल सिस्टम और क्लास पाथ रिसोर्स में जो आपने डिफरेंस देखा ये हम अभी प्रोग्रामेटिकली भी बनाएंगे देखेंगे क्या, किस तरीके से करना है और क्या इश्यू आता है वो भी देखने वाले अगर मैं बात करूं फाइल सिस्टम रिसोर्स की तो आप फाइल सिस्टम रिसोर्स कैन बी लोकेटेड गिवन स्प्रिंग बीन कॉन्फिग्रेशन फाइल फ्रॉम द स्पेसिफाइड पाथ ऑफ द फाइल सिस्टम यर वी कैन पास आईदर एप्सलूट पाथ और रिलेटिव पाथ अब यहाँ पर आप दो तरीके से पाथ यहां पर दे सकते हैं जैसे यहां पर फाइल सिस्टम रिसोर्स के अंदर हमने क्या किया है एस आर सी एप्लीकेशन डॉट कॉन्टेक्स डॉट एक्स एम एल दिया है और यहां पर हमने क्या दिया है फाइल सिस्टम रिसोर्स न्यू फाइल सिस्टम रिसोर्स अब आपको यहां में बताना चाहूंगा प्रोग्राम के थ्रू के हम इस प्रोग्राम के थ्रू किस तरीके से देते हैं तो मैं इसको फुल कर लेता हूं आपने देखा होगा यहां पर हम बात कर रहे हैं फाइल सिस्टम रिसोर्स के बारे में तो यहां हमने बोला है न्यू फाइल सिस्टम रिसोर्स एसआरसी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल अब यहां पर देखो अगर मैं बात करूं यहां पर हमारा जो सोर्स है सोर्स के अंदर हमारी कौन सी फाइल है डॉ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल फाइल है अब देखो हमने यहां पर क्या किया है रिसोर्स का यूज किया है तो पहले रिसोर्स में हमने क्या यहां पर देखा था हमने केवल सोर्स और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स डॉट एक्स एम एल दिया है तो यहां पर हम देखते हैं ये हमारा कहां पे अवेलेबल है ये हमारा अवेलेबल है अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं इसको कमेंट रहने देता हूं इसको कमेंट से हटाता हूं और यहां पे इसको कमेंट कर देता हूं तो बच्चों यहां पर देखो हमने फाइल सिस्टम रिसोर्स के अंदर क्या कर रहे हैं कि src के अंदर हमारा क्या है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स डॉट एक्स एम एल तो हमने ये पूरा पाथ इतना सा लिया है इसको हम क्या बोल सकते हैं रिलेटिव पाथ नॉट एब्सोल्यूट पाथ हम क्या दे रहे हैं रिलेटिव पाथ तो रिलेटिव पाथ हमने दिया यहां पर सो एस आर सी के अंदर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स डॉट एक्स एम एल है तो हमने यहां पर रिलेटिव पाथ दे दिया और रिलेटिव पाथ देने के बाद में अगर मैं इस हमारे प्रोग्राम को रन करता हूं तो आप देखिएगा आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली आउटपुट दे देगा ये आपको आउटपुट मिला अगर मैं बात करूं फुल पाथ के बारे में अगर मैं बात करूं फुल पाथ के बारे में और यहां पर हमने यहां पर क्या दिया है फुल पाथ दिया है जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा कि हमारा ई e ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम के अंदर एफ2 के अंदर एसआरसी एप्लीकेशन.xml है हमने यहां पर फुल पाथ दिया है और उसके बाद अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूं तो यहां पर आपको क्या मिलने वाला है तो आपको यहां पे प्रॉपर आउटपुट मिलने वाला है अगर मैं बात करूं बहुत सारे लोग क्या करते हैं एसआरसी के अंदर जाते हैं प्रॉपर्टीज लेते हैं प्रॉपर्टीज लेने के बाद में यहां पर अगर मैं बात करूं सॉरी इस पे हमने क्लिक किया इसकी प्रॉपर्टीज पे गया प्रॉपर्टीज के बाद में हमने देखा यहाँ पर पाथ एक्सप्रेस और यहाँ पर क्या है लोकेशन है तो आपको ये लोकेशन फुल लेना है मतलब आप प्रोग्राम की लोकेशन लेते हो तो ये चल जाएगा फुल पाथ हो गया लेकिन आप अब नॉर्मल पाथ लेते हो तो ये पाथ आपका नहीं चलने वाला है बहुत सारे लोग सोचते हैं सर एप टू के अंदर एस आर सी है उसके अंदर एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट डॉट टेक्स एम एल है हम ये वाला पाथ प्रोवाइड कर देते हैं अगर आप ये वाला पाथ प्रोवाइड करोगे तो आपको यहां पर एक्सेप्शन मिलने वाला है और कौन सा एक्सेप्शन मिलने वाला है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन मिलने वाला है कौन सा एक्सेप्शन मिलने वाला है फाइल नॉट फाउंड देखो यहां पर क्या हो रहा है कौन सा पार्सिंग एक्सएमएल डॉक्यूमेंट फ्रॉम फाइल तो यहां पर देखिए आपने पाथ प्रॉपर नहीं दिया इस वजह से यहां पर आपको क्या मिल रहा है सिस्टम कैन नॉट फाइंड दाइट अब आपको बात करें इसको हम कमेंट करते हैं तो हमने यहां पर क्या देखा हम यहां पर किसको ओपन करते हैं अब हम इसको वापस से हमारी स्लाइड पे चलते हैं और यहां पर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अब स्प्रिंग इंप्लीमेंटेशन फॉर रिसोर्स इंटरफेस क्लास पाथ रिसोर्स कैन लोकेट गिवन स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल फ्रॉम डायरेक्टरीज और जार फाइल देखो हमने क्या बच्चों किया है कि आपका जो क्लास पाथ रिसोर्स है इसमें आपको डायरेक्टली पाथ देना है क्योंकि ये क्लास के अंदर ही अवेलेबल होता है तो आप देखिएगा हमने क्या किया है क्लास पास रिसोर्स के अंदर हमने जो हमारा एस आर सी है इसके अंदर कॉम डॉट कोडर है कॉम डॉट कोडर के अंदर हमने क्या किया है क्लास को स्पेसिफाइड किया है और इसी फोल्डर के अंदर हमारा क्या है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स डॉट है तो आप यहाँ पर आपको पूरा पाथ देने की आवश्यकता नहीं है आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर सकते हो डायरेक्टली ही आप अपने xml फाइल का कॉन्फिग्रेशन नेम दे सकते हो तो यहाँ पर क्लास पास रिसोर्स के अंदर क्या होता है आप डायरेक्टली ही क्या कर सकते हो क्लास पास प्रोवाइड कर सकते हो जैसा मैंने यहाँ पर बताया है क्लास पास रिसोर्स कैन बी लोकेट गिवन स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल फ्रॉम डायरेक्टरीज और जार फाइल देट आर एडेड इन क्लास पाथ बिल्ड पाथ जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था क्लास पाथ रिसोर्स स्प्रिंग सर्च फॉर स्प्रिंग कॉन्फिग्रेशन फाइल एट क्लास पाथ सो स्प्रिंग कॉन्फिग

करते हैं बच्चों तो बच्चों अगर आपको इसमें कोई डाउट जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या आपको किसी मेथड के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप वो वो भी कमेंट कर सकते हैं तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल जय हिंद जय जै भारत